फैन फाइट पे अपनी टीम बनाओ और जीतो एक करोड़ तक हर दिन. ओ यस, गारंटीड कैश बैक अप टू 200 रुपीज ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट. जीतो 20x मोर ऑन एवरी कॉन्टेस्ट. विनिंग डन राइट ओनली ऑन फैन फाइट. दोस्तों, चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया के ओपनिंग जोड़ी में हुआ बड़ा बदलाव. अब यह दो दिग्गज खिलाड़ी करेंगे टीम इंडिया की पारी की शुरुआत. इंग्लैंड की हार लगभग तय. स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला कल कितने बजे से शुरू होगा और चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया के ओपनिंग जोड़ी में बड़ा बदलाव हो चुका है और दोस्तों कौन से दो दिग्गज खिलाड़ी टीम इंडिया की पारी शुरुआत करेंगे. पूरी खबर विस्तार से आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे. लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, चाहते हो कि चौथा टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया जीते, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें. दोस्तों, आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है. तो दोस्तों, अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें. तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं. दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला 4 मार्च को खेला जाएगा. दोस्तों, यह टेस्ट मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. दोस्तों, इस टेस्ट मुकाबले की शुरुआत सुबह 9:30 बजे से होगी. दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मुकाबला काफी ज्यादा हाई वोल्टेज और रोमांचक मुकाबला हो सकता है. अगर टीम इंडिया चौथा टेस्ट मुकाबला जीत पाती है या फिर उसे ड्रॉ करने में सफल हो पाती है, तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम अपनी जगह पक्की कर सकती है. वहीं दोस्तों, भारत को अगर हार का सामना करना पड़ता है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम न्यूजीलैंड के साथ जून के महीने में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलेगी. दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया फाइनल मुकाबले में खेल पाएगी, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें. दोस्तों, इस चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा पर दर्शकों को काफी ज्यादा उम्मीद है और इन पर बेहतरीन जिम्मेदारी है. जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के यह दो खिलाड़ी चल जाते हैं तो टीम इंडिया आसानी से चौथा टेस्ट मुकाबला जीत जाएगी. हालांकि दोस्तों, अब तक भारतीय टीम के ओपनिंग जोड़ी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है. इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में अब तक रोहित शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और भारत की तरफ से सबसे अधिक रन बनाए हैं. सलामी बल्लेबाज के तौर पर शानदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं. लेकिन दोस्तों, उनके जोड़ीदार शुभमन गिल का अब तक कुछ खास कमाल देखने को नहीं मिला है. इसीलिए चौथे टेस्ट मुकाबले के ओपनिंग जोड़ी में हमें बड़ा बदलाव होते हुए नजर आ सकता है. दोस्तों, रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ने अब तक इस टेस्ट सीरीज में 100 रनों से अधिक का स्कोर नहीं किया है. मतलब कि शुभमन गिल जल्द ही पवेलियन लौटे जा रहे हैं. जबकि दोस्तों, रोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 300 से अधिक रन बनाए हैं, तो वहीं पर शुभमन गिल ने 3 टेस्ट मुकाबलों में सिर्फ 120 रन बनाए हैं. ऐसे में अगर रोहित शर्मा को एक धाकड़ ओपनिंग बल्लेबाज मिल जाता है तो बेहतरीन तरीके से टीम इंडिया चौथे टेस्ट मुकाबले को अपने नाम कर सकती है. दोस्तों, इसी वजह से चौथे टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा और KL राहुल की ओपनिंग जोड़ी आप सभी को बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकती है. जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा तो अपने शानदार प्रदर्शन से बेहतरीन तरीके से गुजर रहे हैं. ऐसे में उम्मीद करते हैं कि चौथे टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा के बल्ले से हमें दोहरा शतक देखने को मिले. वहीं दोस्तों, यहां पर टेस्ट क्रिकेट में अब तक उनका करियर बेहद शानदार रहा है. दोस्तों, KL राहुल ने यहां पर बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया है और KL राहुल के टेस्ट करियर की बात करें तो KL राहुल ने अब तक 36 टेस्ट मुकाबले खेले हैं जिसमें उन्होंने 2000 से अधिक रन बनाए हैं और 5 शतक भी उन्होंने जड़े हैं. दोस्तों, रोहित शर्मा और KL राहुल की जोड़ी चौथे टेस्ट मुकाबले में धमाल मचाते हुए दिख सकती है. वहीं दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इन दोनों की जोड़ी ने अभी जितनी बार भी ओपनिंग की है काफी शानदार प्रदर्शन किया है. दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस ओपनिंग जोड़ी के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतरना चाहिए, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें. दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फैन फाइट के ऐप पर किस तरह से टीम बनाना है, किस तरह से आप यहां पर रोजाना का लाखों रुपए जीत सकते हो. सबसे पहले आप जाइए फैन फाइट के ऐप को डाउनलोड जरूर करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है. उसके बाद साइन अप कीजिए, हमारा कोड जरूर यूज कीजिए क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर के लिए स्पेशल कोड दिया गया है CD200. यहां पर कोड यूज करके आप यहां पर 200 रुपए तक का कैशबैक जीत सकते हो. उसके बाद यहां पर होम स्क्रीन में आने के बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, यहां पर आपको दिखाई देगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मुकाबले का टीम. जी हाँ दोस्तों, यहां पर जाइए, उसके बाद यहां पर आप ज्वाइन कीजिए उन 50 रुपए की लीग.
यहाँ पर आप टैप कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर टीम बनानी है। तो यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले मैंने ऑलरेडी बनाई है, तो और एक बार हम टीम बनाते हैं, तो यहाँ पर क्रिएट टीम पे क्लिक कीजिए। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर हमारे टीम में ऋषभ पंत को मौका देंगे, क्योंकि ऋषभ पंत हाल फिलहाल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद हम मौका देंगे जॉनी बेयरस्टो को भी, पिछले मुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था लेकिन इस बार कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके बाद बल्लेबाज के तौर पर हम सबसे पहले विराट कोहली को तरजीह देने वाले हैं, क्योंकि विराट कोहली शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 14 टेस्ट मुकाबले में विराट कोहली शतकीय पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिला सकते हैं। उसके बाद हम चेतेश्वर पुजारा को भी पिकअप करेंगे, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और अहमदाबाद के सभी पिचों पर चेतेश्वर पुजारा का प्रदर्शन शानदार रहा है। उसके बाद हम इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज डॉम सिबली को भी मौका देंगे, क्योंकि यह भी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और इस टेस्ट सीरीज में उन्होंने काफी कमाल का प्रदर्शन किया है। ऑलराउंडर के तौर पर हम रविचंद्रन अश्विन, जो रूट और अक्षर पटेल को मौका देंगे। दोस्तों रविचंद्रन अश्विन और जो रूट की जोड़ी तो धमाल मचा रही है और जो रूट भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, अक्षर पटेल भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें टीम में शामिल किया गया है। उसके बाद हम गेंदबाजी के तौर पर जैक लीच को टीम में मौका देंगे। जी हाँ दोस्तों, जैक लीच जो कि एक बेहतरीन स्पिनर हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और हर बार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद हम जोफ्रा आर्चर को भी हमारे टीम में शामिल करेंगे और उसके बाद हम शामिल करेंगे मोहम्मद सिराज को भी। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद सिराज को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह चौथे टेस्ट मुकाबले से बाहर हो गए हैं। मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है, जिसकी वजह से उन्हें मौका देना लाजमी है। दोस्तों यहाँ पर उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनने की बारी है। कैप्टन के तौर पर हम विराट कोहली को मौका देंगे, क्योंकि विराट कोहली बेहतरीन शतकीय पारी खेल सकते हैं और उम्मीद भी जताई जा रही है। और दोस्तों यहाँ पर वाइस कैप्टन के रूप में हम यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन को मौका दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इस टेस्ट सीरीज में काफ़ी कमाल का प्रदर्शन किया है। उसके बाद हम प्रोसीड पे दबाते हैं, तो यहाँ पर जॉइंट कॉन्टेस्ट का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप जॉइंट कॉन्टेस्ट पे दबाओगे तो ऑलरेडी आप यहाँ पर टीम बनाकर बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन कर सकती हो। दोस्तों देखिए हमारी टीम जो कि बन चुकी है, हमने दो टीमें बनाई हैं, तो आप भी दो टीमों के साथ खेल सकती हो। कुछ इस तरह से हमारी टीम है। तो दोस्तों अभी के भी जाइए फैन फाइट के ऐप को डाउनलोड करिए और दोस्तों आप यहां पर डेली का लाखों रुपए जीत सकते हो। तो अभी कभी जाकर फैन फाइट के ऐप को डाउनलोड जरूर करें। फैन फाइट पे अपनी टीम बनाओ और जीतो 1 करोड़ तक हर दिन। ओ यस, गारंटीड कैश बैक अप टू 200 रुपीस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। जीतो 20x मोर ऑन एवरी कॉन्टेस्ट। विनिंग डन राइट ओनली ऑन फैन फाइट।